जी टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में सबसे पहले रिफ्लेक्शन कब होती है? रिफ्लेक्शन तब होती है जब कोई भी वेव अपने मीडियम में रिटर्न बैक करे, अपने मीडियम में रिटर्न बैक कर जाए। मीन्स के वो किसी एक बॉडी से टकराए। जैसे ये मैं पेन की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पेन है, ये रेज है, ये वेव है। ये अगर इस तरह जाएगा और इस तरह किसी भी सिमत में वापस बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक है वापस आना। जैसे आप किसी बॉल को वॉल पे आप थ्रो करते हैं तो वो जो बॉल है वो आपकी तरफ आता है, ना कि वो वॉल को क्रॉस करके दूसरी साइड पे चला जाता है। तो उस बॉल का आपकी तरफ रिटर्न होना वो होता है बाउंस बैक। बाउंस बैक टू इट्स मीडियम, इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और यहाँ पे इस और इसमें बस यही आपने एक डेफिनेशन लर्न करनी है। आगे एक एक्टिविटी लिखी हुई है, वो आपने जस्ट पढ़ लेनी है। उसमें बताया हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे होती है, कोई टकरा के वेव है आपके मीडियम में किस तरह वापस आती है, उसको रिफ्लेक्शन के एक्टिविटी में जस्ट आपने रीड आउट करना है कंसेप्ट के लिए। और नेक्स्ट आता है टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड, कि स्पीड की जो साउंड की स्पीड है वो क्या है। वो आपने फॉर्मूला पहले भी हमने रिलेशन किया था, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी। और लैम्डा क्या है? उसकी वेव लेंथ, उसकी वेव लेंथ, उसकी वेव का साइज, वो कितनी ऊपर या कितनी नीचे जाके बनती है। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी इज अ स्पीड, एफ इज अ फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा इज अ वेव लेंथ। ये टॉपिक है। बाकी जस्ट आपने चीज़ें सारी रीड आउट करनी है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन, स्पीड ऑफ साउंड का ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है।